नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड विकास पदाधिकारी रागिनी साहू ने दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा दिया है हायाघाट थाना में। बड़ी खबर ये है कि जिस दिन समीक्षात्मक बैठक था, विधानसभा के विधायक रामचंद्र प्रसाद कर रहे थे, उसी दिन पवन कुमार झा और अरुण चौधरी पहले की भांति ही उस दिन भी पहुंचते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी से कुछ डाटा मांगने का प्रयास करते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी रागिनी साहू ने कहा है कि हमने उन्हें कहा कि आप कुछ देर रुक जाएं या कुछ दिन रुक जाएं, मिल जाएगा आपको, क्योंकि उस दिन विधायक का समीक्षात्मक बैठक चल रहा था और जब वो जोर जबरदस्ती करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, साथ ही उन्होंने बड़ा और भुला बहुत सारी बातें हमें बोला। उस समय में बहुत सारे लोगों का, जनता का वहां पर भीड़ भी था। इसका कंप्लेन प्रखंड विकास पदाधिकारी का कंप्लेन जो है अरुण झा और जो अरुण चौधरी और जो यहां पर पवन झा है, उन्होंने विधायक रामचंद्र प्रसाद से भी किया है। यही है पवन झा और अरुण चौधरी जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि अन्यास ये किसी के ऊपर भी हमेशा कार्रवाई की बात करते आ रहे थे या किसी भी मांग को लगातार जबरदस्ती करते आ रहे थे। और ये जो है बड़ी खबर आ रही है हायाघाट क्षेत्र से, बहुत दिनों के बाद इस तरह की खबरें आई है, किसी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज, वो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया है सरकारी तौर पर। ये बड़ी खबर पवन कुमार झा और जो आनंदपुर सोहरा पंचायत के रहने वाले हैं, अरुण चौधरी जो है, उन्होंने जो मांग किया था उस मांग के अवज में इन्हें प्राथमिकी दर्ज हुई है। हाँ, एक अभी घटना हुई है जिसमें आपके बारे में बताया जा रहा है कि पदाधिकारी के साथ जो प्रखंड के विकास पदाधिकारी हैं उनको गाली गलौज किया गया है या कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है या उन्हें अपमानित किया गया है, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है, क्या मामला है? वीडियो साहब करीब एक साल पहले से यहाँ पर है। ये जब हम यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं जो एक सप्ताह के बाद हाई कोर्ट के आदेश का करीब 9 महीना इनके टाइम में हो रहा है। ये कहते आज करेंगे कल करेंगे, और मामला बहुत है। हम कितना बात आपको बोले, हम तो गाली नहीं सुनती हैं। ये जब बोले हम पर ही उल्टे तमसा गए, बिगड़ गए, बस यही बात है। तो मामला क्या था जो आपको? मामला था जो हाई कोर्ट के आदेश का ये वीडियो साहब अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट का अपमानना क्या चीज के ऊपर था? हाई कोर्ट का आदेश जवाहर रोजगार योजना का था। जवाहर कहाँ का? आनपुर पंचायत का। आनपुर पंचायत, तो इनमें ये तो एक साल अभी हुआ है, इससे पहले की कहानी है या अभी करंट का कहानी है? पहले 95 में पावर सीज हुआ था। नहीं, 2021-2020 क्या है ये? हाई कोर्ट का आदेश है जो इंटरेस्ट का वसूली करना है, इंटरेस्ट के संग, और हाई कोर्ट का जो मूल आदेश है उसका वीडियो साहब को मंतव्य देना है DDC को। तो ये सोहरा पंचायत का कुछ पंचायत सरकार भवन का भी इशू था क्या? वो मामला अभी चल रहा है, पेंडिंग में। हाँ, तो आज किस बात पर आपको आवेश आ गया? हाई कोर्ट वाला जी। आप क्या चाहते थे? हम चाहते हैं जी आप नोटिस कीजिए, आप पैसा का रिकवरी कीजिए, और जो हाई कोर्ट का मूल आदेश है उस पर DDC को मंतव्य दीजिए। एक्चुअल जानकारी बताएं कि ये जो जवाहर रोजगार की आप बात कर रहे हैं, क्या मैटर क्या हुआ पंचायत में, जो अच्छे से थोड़ा बताएं कि क्या किस चीज का? 95 में हमारे पंचायत के मुखिया का पावर सीज हुआ था, जब उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से आदेश हुआ मिसयूज, मिसमैनेजमेंट, करीब 11 लाख रुपया का मिसयूज है, और 62,000 रुपया जो अभिकर्ता के यहाँ बाकी है उसका 24 लाख रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, और जो हाई कोर्ट का मूल आदेश है उस पर 4 करोड़ रुपया हो रहा है। इन प्रशासन को दिमाग है खराब, इतना पैसा हो गया अब क्या होगा, बस यही बात है। तो आपके ऊपर प्राथमिकी की दर्ज होने की बात आ रही है सामने, तो क्या करेंगे फिर? अरे हम तो आज तक जो भी केस हुआ है फॉल्स हुआ है, हम फेस करेंगे, लड़ेंगे। तो आप गाली वाली नहीं दिए हैं? नहीं, गाली हम नहीं दिए हैं, कोई ऐसा बात नहीं किया? नहीं, लेकिन जो लोग थे वहां पर, जो लोग बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है या ऐसा, जिनको जो कह रहे हो कर हमको, हमारा RC मान का लड़ाई है। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार झा। कहां पर आए थे अभी? हम वीडियो साहब के पास आए थे। कौन वीडियो साहब? प्रखंड कौन सा है ये? हायाघाट जी में ही पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के लिए किसी ने भद्दा भद्दा यहाँ पर बातें बोला है, कुछ बात हुआ है, तो ये कितना मतलब जायज है खासकर पदाधिकारी के लिए? हम तो वहाँ थे, कहाँ अपने थे क्या, हम तो अलग बैठे हुए थे। नहीं, अगर कोई देता है ऐसा तो वो कितना मतलब सही है यार? सही तो नहीं है, सही कैसे किसी का माने पदाधिकारी को सम्मान के साथ बात करना चाहिए, कोई भी आदमी को किसी का कुछ शिकायत मान लीजिए हम लोग बैठ के बात करेंगे ना, पदाधिकारी का सम्मान तो सबको करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। हायाघाट थाना में आपके द्वारा दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, क्या मामला है?
वे दोनों आदतन प्रखंड कार्यालय आए और कार्यालय में आकर के बैठना, बार बार पेटिशन देना अनायास ही, और एक दिन के बाद ही उसका प्रत्युत्तर मारना उन लोगों की आदत थी। इसी तरह 7 तारीख को वे दोनों आए और प्रखंड परिसर में ही हमसे परीक्षा करने लगे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि 2 दिन के बाद आपका जांच प्रतिवेदन आपको मिल जाएगा, लेकिन दबाव देने लगे कि मुझे आज ही चाहिए। अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, अमर्यादित भाषा का, और ऊँची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिए। जब मैं कार्यालय पहुँच गई उसके बाद भी उन्होंने उनके द्वारा कार्यालय का आदमी हल्ला करके शोरगुल करके बाधा पहुंचाई गई। मजबूरन मुझे उन पर प्राथमिकी दर्ज करने, कार्यालय की व्यवस्था को संचालित करने है। उन्होंने एक बात कही, 1 साल से हम कुछ मांग रहे हैं, मैडम से नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी लगातार आवेदन प्राप्त होते हैं, खास करके आनंदपुर सहोरा में जितनी भी योजनाएँ चलती हैं उनके अगेंस्ट, और जब जिला में वे आवेदन देते हैं, जिला से मुझे जाँच आता है तो फिर मैं जिला को जवाब देती हूँ, और हर चीज़ का उनका प्रेशर रहता है कि मतलब 2 दिन के अंदर ही हमने जो पेटिशन दिया वो हो जाना चाहिए। आपके नवासी से जो चीज़ से आदेश मिले, कहिया भेलै 2006 में हाईकोर्ट के आदेश, ओहिसँ पहले जते वीडियो अयलै से सब विलम्ब करै चलि गेलै फाइल के। जते वीडियो एतै आ ओहि फाइल के नहि देखतै तऽ विलम्ब हेबे करतै ना, एते पाइ भऽ गेलै। आब इन लोग को अथी लगता है कि भाई पैसा बहुत हो रहा है, जबकि जनता का पैसा है। विलम्ब आप किए ना, आपकी जवाबदेही है ना। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ 2005-06 में, अगर उसी समय असूली हो गया रहता इतना पैसा अभी नहीं हुआ रहता। आज क्या बात हुआ है? यही बात जो मैडम तो कहे जन 1 सप्ताह के बाद, बोले आप तो सब दिन हम लोग को यही ठगते हैं, 1 सप्ताह 1 सप्ताह। अरे आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, कहिए नहीं करेंगे, यही मैटर हुआ। तो आपके मुंह से कुछ निकला है? बताए कुछ नहीं, यही बात सब हुआ है। प्राथमिकी बात होगी तो क्या करेंगे? अब उनकी बात है। और आपकी मां क्या नाम हुआ आपका? अरुण चौधरी। नहीं मिला था आपको? नहीं, आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी तो आप क्या करेंगे उसके लिए? हम जाएंगे नैला, जाएंगे नैला में है जी, हम लोग भी तो नैले का ना अथी कहे हैं। आप अथी कीजिए, नैला का अपमानना कर रहे हैं आप लोग। कानून को जेबी में लेकर चलते हैं, जनता की पैसा है, पैसा किसका है? जनता का है। अरे मुखिया मिस यूज किया, वो पैसा किसका था? जनता का। गाँव कौन सा? पंचायत आनंदपुर सहोड़ा। आपका नाम क्या हुआ? अरुण चौधरी। पूरा प्रखंड नियम कानून के चरम पर साक्ष है, नहीं दी थाना पुलिस। एक भी ग्राम पंचायत में संवैधानिक ढंग से आम सभा होने जा रही है, न कार्यकारिणी होती है। अगर है हमको दिखा दीजिए, हम कल से प्रखंड नहीं आवेंगे। खाली बैस का लूट कर रहे।